नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आदित्य पूजन भोपाल से। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल क्षेत्र बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा इस साल। अब तक बाढ़ का पानी गांवों से वापस लौटे हुए अब करीब 15 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब भी लोगों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हम चलते हैं उन इलाकों में जहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित है लोग बाढ़ से, बाढ़ के असर से और उसके कहर से। तो हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ग्वालियर से हमारे सहयोगी हिमान शर्मा और चांदपुर गांव जो कि डबरा के पास है और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है। वहां के ग्रामीणों से भी हम सीधे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी हालत क्या है, बाढ़ में उन्होंने क्या गंवाया और अब जो सरकारी मदद की बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है, लोगों को क्या मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले हिमांश आप हमें बताएं कि अभी क्या हालत है बाढ़ पीड़ित इलाकों की। जी, अगर अपन बात करें हैं ग्वालियर चंबल अंचल की, तो वहां पर 15-20 दिन हो चुके हैं बाढ़ जाए, अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है, कीचड़ है जो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। और ग्रामीणों का कहना है कि सरकार मदद तो पहुंचा रही है, सर्वे भी किया, लेकिन जिस तरीके की उनको मदद मिलनी चाहिए थी, उनका कहना है उस तरीके की उनको मदद नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि जब हम खेती बाड़ी करते थे और जो हमारे खेती उजड़ गए और हमारे घर पूरे टूट चुके हैं, उसके बाद अगर सरकार हमें 10 या 15 किलो आटा भी दे देगी तो उससे हमारा क्या होने वाला है, रोजगार तो हमारा पूरा चला ही गया है। और बाकी उनको लगातार ये डर भी सता रहा है कि बाढ़, उनको ये है कि बाढ़ दोबारा ना आ जाए। तो आज भी उनके मन में ये डर है कि बाढ़ कहीं दोबारा तो नहीं आ जाएगी। तो वे कह रहे हैं कि सरकार हमें इस एरिया से कहीं दूर पक्का मकान बना के दे, जिससे कि हमारे बच्चों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर अभी भी इस तरह का डर है कि वो रात में सो जाते हैं और सो के उठ के अचानक बोलते हैं पापा कहीं बाढ़ तो नहीं आ गई। क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने उस समय ये दृश्य देख चुका है। जब एकदम बाढ़ आई थी वहां पर चीख पुकार मच गई थी और सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। जब हमारी टीम वहां पर गई तो हमने अपनी आंखों से खुद ये दृश्य देखा, वाकई में वहां पर वे कितने पीड़ित हैं ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। और जब हमने उनसे जाना तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी पूरी साल की जो भी मेहनत की थी, पूरी जो भी हमारी फसल थी वो बेचने के लिए रखी थी, लेकिन हमने कतई ये उम्मीद नहीं करी थी कि बाढ़ इस तरीके से आ जाएगी। और जो हमने पूरी साल मेहनत करी और जिससे हम 4 पैसे कमा सकते थे वो इस तरीके से बाढ़ में बह जाएगा। उनका गृहस्थी का पूरा सामान बह चुका है, घर पूरे ढह गए हैं जिस घर में वे निवास करते थे, और उनके पास 2-3 जो भी मवेशियां थी उनका आज तक लाश तक नहीं मिली है। उनको उनका कहना यह था कि हमें तो अपनी मवेशियों की लाश तक नहीं मिली है कि वे बह के कहाँ चली गई। उन्होंने कहा कि हमने कभी ये उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरीके से बाढ़ अचानक यहाँ पे आ जाएगी। उन्होंने कहा नदी हमेशा, जी 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 सर हिमांश, आप बाढ़ का पानी जब गांवों से कम हो गया, जब बाढ़ का पानी लौट गया उसके बाद करीब आप एक सप्ताह बाद आप उन इलाकों में गए थे, आप कवरेज के लिए गए थे, तो उस समय आपने क्या देखा, क्या आपको क्या लगा कि क्या जो अभी हालत है उसमें क्या थोड़ी बहुत सरकारी सहायता से लोगों का कुछ भला हो सकता है? जो जैसा सरकार कह रही है 1,20,000 रुपए देने की चर्चा है उनको जिनके मकान ढह गए हैं। हमने देखा कि कुछ महिलाओं ने आपके साथ जब आप कवरेज के लिए गए थे तो आप कुछ महिलाएं ये कह रही थी कि इतने पैसे उसे क्या होना है, हमारा मकान कैसे बनेगा। तो सवाल ये है कि जब सब कुछ लूट चुका है, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो ऐसे में क्या ये इतनी सरकारी सहायता उनके लिए काफी है? जी, अगर मैं आपको बता दूं सरकारी सहायता की, तो जब हम वहां पर पहुंचे तो वे कह रहे थे, जब मैंने वो मंजर देखा तो वास्तव में ही वे बहुत पीड़ित हैं। अपन यहाँ से अंदाजा नहीं लगा सकते कि वे कितने पीड़ित हैं। जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट जाके वहां हाल जाना तो वे आज भी इस हाल में रह रहे हैं कि उनके घर से जो पानी है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। जब मैंने उनसे बात करी, उनसे जाना कि क्या सरकारी मदद आप लोगों को मिल रही है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमें सरकार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वे लोग आए सिर्फ हमसे लिखा पढ़ी करके ले गए हैं। और बाकी उन्होंने बताया कि चलो ठीक है हमारा जीवन पटरी पे आ जाएगा, लेकिन जो अब जो बीमारियां जन्म रही हैं वहां पे, जो टेम्परेचर वहां पे एकदम चेंज हुआ है, जमीन उमस छोड़ रही है, जो बीमारियां वहां पर जन्म रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका क्या होगा, इससे तो जब तक हमारी जानी चली जाएगी। अगर इस तरह की बीमारियां, किसी को बुखार है,
किसी के हाथ पैरों में दर्द है और किसी कोई कोई तो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहा है। उन्होंने मैंने कहा कि जब ग्वालियर की टीम यहाँ पर आई थी तो उन्होंने किस तरीके की आपकी सहायता की, तो उन्होंने मुझे बताया सिर्फ टीम आई थी गोली दवाई दे के हम जहाँ से चली गई, आगे की हमसे कुछ नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है, या बाद में उन्होंने आके यहाँ पर रीचेक भी नहीं किया। तो इस तरीके की वे पीड़ा वहाँ पर झेल रहे हैं इस समय। उन्होंने कहा कि 10-15 किलो आटे से क्या होगा, सरकारी मदद अभी सिर्फ उन्हें 10-15 किलो आटा ही मिली, और बाकी हमने जब जाना और कईयों लोगों से वहां पर जाकर जब बात करी तो उन्होंने कहा कि 4-5 हजार मिले हैं, वो भी किसी किसी को ही मिले हैं, हर किसी को वह भी नहीं मिले। और उन्होंने कहा कि जब हमें आटा या गेहूं लेने भी जाना होता है तो वहां पे कंट्रोल वाले या फिर जो भी वहां पे अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी बैठे होते हैं वो कहते हैं कि पेपर दिखाओ जब भी आपको मिलेगा, तो वो कहते हैं इस स्थिति में हम पेपर कैसे दिखा सकते हैं जब बाढ़ में हमारा सामान बह गया, मवेशी बह गए, जानवर बह गए, जानवरों को हम अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे, तो पेपर कहाँ से बचेंगे जो हम उन्हें दिखा पाए और अपनी उनसे राहत राशि है या राहत जो भी राशन दिया जा रहा है वह ले पाए। तो सबसे बड़ी जो भी प्रॉब्लम है उनके आगे वो पेपर की है। वो कह रहे हैं पेपर हम अब कहाँ से ले आए, हमारा घर ही बह गया, घर ही टूट गया, कपड़ा एक नहीं बचा है, तो सरकारी पेपर हम उनको किस तरीके से दिखा पाएंगे तब वे हमें राहत राशि देंगे। सही जी बात है जी कि मतलब यदि सरकार लिखा पढ़ी और दस्तावेजों में उलझी रही तो जो जिनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है वो भला कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। अब हम ईमान सीधे चलते हैं उन ग्रामीणों के पास जो हमारा इंतजार कर रहे हैं और उनसे मिलाते हैं हम अपने दर्शकों को कि और उनसे समझते हैं कि आखिर वो उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। करना पड़ता कैसे हैं आप लोग? सर, आ रही है आवाज, आ रही है सर। क्या हाल, किस हाल में हैं आप लोग? अभी तो बेहाल है सर, कोई टपरिया बना के रह रहा है, कोई डर में रह रहा है, कहीं सांप बिच्छू का डर लग रहा है, अभी तो बेहाल ही है। चांदपुर गांव से आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे दर्शक जो है वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपके गांव में बाढ़ कैसी बाढ़ आई थी, आपको क्या सब झेलना पड़ा? भयंकर बाढ़, बाढ़ तो भयंकर था, पूरा गांव डूब गया था, चारों तरफ से गांव घिर गया था सर। सीएम साहब ने पर मौके पे दिखाई बोले। सीएम साहब आए थे यहाँ पर, मौके पर खुद आए थे दूसरे दिन तीसरे दिन। इधर सर क्या कंडीशन थी जब बाढ़ आई थी, तो पानी यहाँ पर चल रहे थे, ये मकान देखो सर कैसे हो गया है, टपैया बना के रह रहे हैं ना। टपैया बना के रह रहे हैं सब। गांव में हमने सुना कि आपके गांव में सारे एक मतलब कोई बिरले ही कोई ऐसा मकान है जो बचा हुआ है, सारे मकान कोई बह गया तो कोई डैमेज हो गया, कोई फट गया, कोई क्या मतलब कोई कोई रहने सुरक्षित रहने लायक नहीं बचा। जी, तो अब जैसे बाहर का पानी गांव से निकले हुए करीब करीब 15 दिन का समय हो रहा है। नहीं, 25 दिन हो गए सर, 25-3 तारीख को आई थी पिछली, बहुत लंबा समय हो गया। पानी वापस गए हुए मैं कह रहा हूँ, तो नहीं वापस तो दो दूसरे हफ्ते तीसरे से रोज चला गया था, तीसरे रोज चला गया था, तू 3 दिन में वापस हो गया था बाढ़ का पानी, तीसरे रोज चला गया था। उस समय जो हालत थी कि बाढ़ के तत्काल बाद और अभी इसके बाद के ये 15-20 दिनों का जो समय गुजरा है, इसमें कई लोग आए हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं, आपने बताया मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, तो आप सर दस क्या मदद मिल पाई है अब तक? सरकार की ओर से तो सर पहले तो 10-15 दिन तो लोग जो है वो हाईवे पर रहे, हाईवे पर गांव से 2 किलोमीटर दूर अपनी अपनी टीन चादरें वो तिरपालें लगा करके 10-15 दिन रहे लोग बाहर गांव के। उसके बाद एक आटे का कट्टा मिला था सर, और अब कुछ राहत राशि मिली है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है लोग जो है, किसी को कुछ मिला तो किसी को कुछ मिला, नुकसान कुछ हुआ। और अब प्रशासन सर की कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, एसडीएम साहब ना कोई सुन रहा है सर, अब कोई नहीं सुन रहा सर हमारी, कोई नहीं अब सुन तो रहा, तहसील जाती है बस बैठ के भग जाती है, कोई बात ही नहीं कर रहा है सर हम गा रहे, पैसे की पूछते हैं बोले आ जाएंगे बस भगा देते हैं सर रोजाना, 50 रुपये तो सर किराया लग रहा है। सरकार का ये कहना है, मुख्यमंत्री ने खुद ही ऐलान किया था कि जिन लोगों के घर टूट गए या बाढ़ में बह गए उनको नया घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की रकम दी जाएगी। आप लोगों में से कितने लोगों को ये मिला है या मिलने की संभावना? कुछ लोगों के खाते में सर 1,00,000 रुपए आ गए हैं, और कुछ कुछ लोगों के 50,000, कोई की 80,000, पर कम लोगों के में आया सर, बहुत लोग रह गए अभी।
और कुछ लोगों का नाम ही नहीं लिखा सर, तो वो तो वैसे ही रह गए, उनका नाम ही नहीं लिख रहे हैं सर वो लोग। जो कोई बाहर से डर के मारे रिश्तेदारी में चले गए थे और जो वापस नहीं आ पाए, सर्वे हुआ तो वो उनका तो सर्वे ही नहीं किया बाद में उनने। अच्छा हाँ, बहुत से लोग सर्वे से रह गए हैं। कुछ सरकारी दस्तावेजों की भी बात हो रही नहीं, है। सरकारी दस्तावेजों का आईडी सर किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। अब 17 लोगों की आईडी एक ही बनी है, तो एक लोग एक एक ही आदमी को लाभ दे रहे हैं वो, 17-16 लोग क्या करेंगे सर। अच्छा 17 लोगों की एक ही आईडी है, ये कैसे हो सकता है? एक ही आईडी है सर, एक ही आईडी, उसमें से एक आदमी को दे देते है, 16 लोग क्या करेंगे सर। और अब तो बात ही नहीं सुन रहे सर, अब तो तहसील ला जाना, बैठ के बगियाती है, सुबह से जाती है शाम को बगियाती है सर। आप हमें थोड़ा सा पीछे का नजारा दिखाएं कि आखिर आपके पीछे जो 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 घरों की हालत है, ये मड़ी लोगों की हालत है। ये घर था हमारा और ये घर टूट के सर अभी मड़िया ये कर रहे हैं सर, और ये मड़िया अभी मड़िया में रह रहे हैं सर। और देखो सर गाँव का मैं तुमको हाल दिखाऊं, पूरा गाँव ही खत्म है जी। देखो साहब पूरे गाँव ही खत्म है, देखो साहब ऐसे। देखो सर माने रहने लायक नहीं, तो पानी की वो रख के रह रहे हैं सर जी। देखो सर मुख्यमंत्री यहाँ तक नहीं आ पाए, मंत्री जी सीएम साहब नहीं यहाँ तक नहीं आए। शुरू स्कूल वो गांव के पहले ही गद्दे के चले गए थे सर। तो सर बहुत कर गए थे, अगर वो बाधे पे से अमल हो जाता ना तो सर हम पाने सुखी हो जाते। बाधे तो बहुत कर दी उन्होंने, पर क्या होता है बाधे करने से, मिला था कुछ ही नहीं है। कुछ लोगों को पैसे मिल गए, कुछ लोग तो अभी रो रहे हैं सर। अब गृहस्थी के सर 5,000 रुपए दे रहे हैं, तो गृहस्थी 1,00,000 होगी, बह गई सर 50 कुंटल क्या गृहस्थी के 5,000 रुपये दे रहे हैं वो, तो 5,000 रुपये गृहस्थी से क्या हो रहा है सर। 50-50 सर, तो पलंग पंखा ए सी सब खराब हो गई है साहब। और क्या प्रशासन की ओर से किया गया हो? हाँ हाँ, 50 किलो आटे का कट्टा दिया है, बस 50 किलो आटे का कट्टा दिया है एक बस, हर परिवार को, हर परिवार को। परिवार का नहीं रखा सर वो, तो वही आईडी सर, आईडी 17 लोगों को एक दे दिया सर। किसी की आईडी अगर 2 आदमी की बनी है तो उसको भी मिला, एक 15 आदमी की बनी है तो एक कट्टा मिला है। और आसर पानी तो कुछ मिला ही नहीं, आटे के कट्टे के सिवा कुछ नहीं मिला सर। आटे कट्टे से क्या हुआ सर आप बताना, आटा अकेला खाना है क्या? अब वो भी 25 और खाना बनाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है सर हमारे पास। वो तो क्या की समाज सेवा और नगर पालिका की तरफ से पैकेट आ गए थे खाना से, उसे जीवन यापन किया है, कुछ समाज से भी लोग आ गए थे 10-15 दिन खाना, तो उन्होंने खाना 15 दिन हमको खिलाया सर। अब मड़िया बना के सर छमछी व्यवस्था करती है सर, 8 की खाना बनाने की, बहुत हालत खराब है सर। प्रशासन तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है सर। अब क्या लगता है अब आपकी हालत में सुधार के लिए क्या करने की जरूरत है? अरे सर जी हमारी कोशिश है कि हमारी जो राशि वो कह गए थे वो राशि मिल जाए सर परिवार को, जो नाम रह गए हैं वो नाम जुड़वा दिया जाए सर हमारे। किसी का सर्वे में नाम नहीं लिख पाया था उसका नाम लिख जाए सर। और पानी का स्वाद पूरा खारा हो चुका है पूरे गांव का, तो पानी का स्वाद के लिए टीम भेजी जाए, और बीमारियां के लिए दवाई के लिए कोई डॉक्टर भेजा जाए, कोई टीम भेजी जाए। यहाँ पर बहुत बीमारियां फैल रही है, मच्छर मलेरिया सब उसी से हो रहा है, और पानी पीने लायक नहीं है सर हमारा, पूरा पानी खारा हो गया है सर। और हमारी राशि हर परिवार को दी जाए, जो रह गया उसका सर्वे किया जाए सर। आप तो आगे स्वयं सर्वे करें जी, इस पात्र में है कि नहीं, खुद देखे आगे सर। उसका पूरा मकान गिर गया, उसका नाम ही नहीं है सर सर्वे में, कुछ सुन ही नहीं रहा है सर। है कि जो अभी जो सर्वे किया गया है वो काफी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो छूट गए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको उसमें पक्षपात किया गया है, उसमें पक्षपात किया गया है। किसी को जो है नुकसान भी नहीं हुआ तो पैसा मिला है अच्छा, किसी को नुकसान हुआ है तो नहीं मिल पाया। वो मतलब एक सिस्टम नहीं अपनाया, कोई मापदंड नहीं अपनाया उन्होंने। अच्छा अब तक जो सर्वे किया उसमें से हमारे नाम जोड़ दिए जाए, जो रह गए हैं जो लोग, आप क्या पूरा सर्वे दोबारा तो करेंगे नहीं वो। अब तो इतना कर दिया जाए कि हमारे जो नाम रह गए हैं गांव के लोगों के आरडी के हिसाब से ना देखते हुए एक गांव का पंचनामा बना के उसका नाम जोड़ लिया जाए सर, परिवार के हिसाब से, परिवार के हिसाब से नाम जोड़ लिया जाए सर उसका। नहीं तो आपने प्रशासन को ये नहीं बताया कि जब बाढ़ में हमारा संपर्क गया
तो हम अपनी आईडी और अपने ये तो सब दे रहे सर, आईडी वगैरह तो आईडी सब दे रहे हैं सर, ऑनलाइन करवा लीजिए सर, आईडी हम दे रहे हैं ना सर, ये तो सब दे रहे हैं। 17 लोगों की एक है तो सर परिवार दिख लेना, उसका परिवार दिख ले, अलग अलग परिवार है सर, कागज तो सर अधिकतर हम दे ही रहे हैं, कहीं से निकलवा के कहीं ना कहीं से कागज दे रहे हैं, पर बात नहीं कर रहे हैं अधिकारी अब सही तरीके से, जो बात करनी चाहिए उनको जो पहले कर रहे थे 15-20 दिन पहले, अब वो बात नहीं कर रहे हैं सर, अब तो ऑफिस में जाने नहीं देते सर। ये सरपंच साहब है, मैं पार्षद हूँ गाँव का अभी, तो हम दोनों गए थे तो बात ही नहीं की सर हमसे। नहीं ठीक है, सर अब मैं एक बार हिमांश के पास चलता हूँ, हिमांश से पूछता हूँ, हिमांश आपने आपने प्रशासन से अधिकारियों से इन लोगों के बारे में कोई है प्रशासन की कोई जानकारी? जी सर, आपकी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये जी 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 सर, मैंने स्थानीय अधिकारियों से जब इसके बारे में जानकारी जुटाई तो उन्होंने बताया कि सर्वे लगातार चल रहा है, जब सर्वे कार्य पूरा हो जाएगा, सर्वे कार्य वैसे पूरा हो चुका है, कुछ कुछ जगह है यहाँ सर्वे अभी चल रहा है, शायद वहाँ भी पूरा हो चुका होगा, तो वे कह रहे हैं कि हम उनके खाते में जो भी राहत राशि है वे ट्रांसफर कर दी जाएगी, और बाकी जिन जिन के मकान ढह गए हैं उनको मकान के लिए भी राशि दी जाएगी। और उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल ये जो उसकी व्यवस्था की जा रही है, आटे चावल और तेल वगैरह जो व्यवस्था की जा रही है वो अस्थायी है, उसके बाद उनको स्थायी व्यवस्था भी कुछ ना कुछ की जाएगी, ये उनका कहना है, लेकिन कितनी इसमें हकीकत है ये अभी तक ये हमें भी नहीं पता। लेकिन उनकी समस्याएं अब तक कम होने का नाम नहीं दे रही, प्रशासन अपनी ओर से घोषणाएं कर रहा है, दावे कर रहा है, मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं, मंत्री वहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन गांव वालों को बाढ़ पीड़ितों को वो नहीं मिल रहा जिसकी जरूरत नहीं है। हम आपके पास आएंगे, हम जानकारी आपके दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मेरी जानना यही है, बाढ़ पीड़ित लोगों से उनकी हालत में एकदम सुधार हो और उन्हें उन्हें सरकारी मदद मिल सके, उसकी ही सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया हिमांश आपका भी, धन्यवाद। तो ये हमने देखा ग्वालियर के बाढ़ पीड़ित इलाकों की हालत, हम चांदपुर गांव के ग्रामीणों से, बाढ़ पीड़ित लोगों से हमने बात की और जाना कि उनकी समस्याएं क्या हैं बाढ़ से संबंधित, और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नवबारा टाइम्स। शुक्रिया।